वेलकम टू मैथ क्लास चैनल। इन क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूंगी। मेरे पास टॉपिक है राउंड नेगेटिव इंटीजर्स। उससे पहले मैं होल नंबर्स को राउंड करना, डेसिमल नंबर्स को राउंड करना सिखा चुकी हूँ, आप वो भी देख सकते हो। अब हम नेगेटिव इंटीजर्स को करते हैं। क्या है फर्स्ट में मेरे पास, फर्स्ट क्वेश्चन मैं राइट करती हूँ। यहाँ पर नेगेटिव ईजी है, बस आपने कंसंट्रेशन से देखना है कि आपने किस तरह से करना है, फिर आपको आ जाएगा। 3 सिग्निफिकेंट फिगर है ना। अच्छा, यस एफ सिग्निफिकेंट फिगर है और डी पी जो है डेसिमल प्लेस है। ओके, क्या करेंगे? 3 सिग्निफिकेंट फिगर है ना, होल ये नंबर है, पॉइंट नहीं है, डेसिमल नंबर नहीं है। अच्छा जी, इसके लिए क्या करेंगे? 1 2 3 इसमें चेंज लाएंगे। 3 सिग्निफिकेंट फिगर है ना, तो थर्ड डिजिट को देखना है, ये 1 2 3 इसमें चेंज करना है राइट साइड वाले डिजिट को देखते हुए। राइट साइड वाला डिजिट अगर तो 5 हो या 5 से बड़ा हो तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा, और अगर वो 5 से कुछ छोटा हो तो उसमें 1 ऐड नहीं होगा। तो इधर 1 ऐड हो जाएगा बिकॉज ये 5 है। 1 ऐड होगा तो क्या बन जाएगा? ये 4 से 5 बन जाएगा, बाकी वैसे रहेगा 2 3। इसमें 1 ऐड होगा तो 5 बन जाएगा, और इसके बाद जितने डिजिट्स होते हैं 0 आ जाएंगे। ओके, होप्स हो भी समझ आया होगा। नेक्स्ट भी करते हैं, सारे कर लूँगी तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट मैं राइट करती हूँ, मेरे पास है 4 5 3 2 5 और इसको मैंने करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर में। 3 सिग्निफिकेंट फिगर में तो 1 2 3 थर्ड डिजिट मेरे पास यहाँ से लेफ्ट से ही है। इसमें चेंज करना है इसको देखते हुए, ये तो 5 से छोटा है तो इसमें 1 ऐड नहीं होगा, ये एज इट रहेगा 4 5 3, और इसके बाद 2 डिजिट्स हैं तो 2 0। ठीक है, थर्ड पार्ट यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ये नेगेटिव 1 1 7 2 8 5 9 5 सिग्निफिकेंट फिगर करना, 1 2 3 4 5 इसमें चेंज करना है इसको देखते हुए, तो 5 इसमें 1 ऐड हो जाएगा, ये 9 बन जाएगा, 1 1 7 2 9 नेगेटिव साइन, और 2 डिजिट्स हैं तो 2 0 आ जाएंगे। ठीक है, फोर्थ में राइट करती हूँ। अब जी फोर्थ वाला पॉइंट्स वाले आ गए हैं, वो राइट करते हैं। नेगेटिव 48.3567 3 डेसिमल प्लेस। अब सिग्निफिकेंट फिगर डेसिमल प्लेस में यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास दोनों चीज़ें चेंज हो गई। पहले क्या था, इस तरह से नंबर से पॉइंट में नहीं थे, ठीक है, होल नंबर से भी पॉइंट वाले नहीं थे और नेगेटिव साइन था, ठीक है। 3 सिग्निफिकेंट 3 सिग्निफिकेंट 3 5 सिग्निफिकेंट ये देख लिए। अब डेसिमल नंबर भी आ गया नेगेटिव में, और आपके पास डेसिमल प्लेस में करना है, तो ये थोड़ा सा ऐसे होगा। डेसिमल प्लेस के लिए हम पॉइंट के बाद से काउंट करते हैं। 3 डी पी का आ गया 3 डेसिमल प्लेस, तो पॉइंट के बाद 1 2 3 ये है, ठीक है। पॉइंट से पहले वाला वैसे ही आ जाना है, पॉइंट के बाद वाले में इधर चेंज करना है, इधर चेंज करना है 1 2 3 इसमें चेंज करना है इसको देखते हुए, 5 से बड़ा तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा, ये 6 से 7 बन जाएगा। बस इधर 0 इसकी जगह राइट नहीं करना। जब डेसिमल नंबर है उसको इस तरह से करना है तो 0 नहीं राइट करना, जब इस तरह से होल नंबर होगा तो 0 0 राइट होगा, जितने डिजिट्स रिमेनिंग होंगे, ठीक है। क्लियर समझ आया डिफरेंस? अब मैं फोर्थ राइट करती हूँ उसका पार्ट, नेगेटिव 48.3567। ओके, मैंने ना ये अगेन ले लिया था, ये मैंने लिया 3 डेसिमल प्लेस में भी, और इसी को अगर सिग्निफिकेंट में करना हो ना 5 सिग्निफिकेंट फिगर में, तो क्या करना, तो ये करना है कि स्टार्ट से काउंट करना है। इधर से हमने पॉइंट के बाद से किया था ना, ये पॉइंट से पहले वैसे आ गया था, इधर हमने इधर से स्टार्ट करना है 1 2 3 4 5 5 की प्लेस पे 6 है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 6 है ना, तो इसमें चेंज करेंगे इसको देखते हुए, तो ये 5 से बड़ा इसमें 1 ऐड होके ये 7 बन जाएगा, ठीक है। और 0 नहीं आना क्योंकि डेसिमल नंबर है, ठीक है। डेसिमल प्लेस और सिग्निफिकेंट फिगर जो है पॉइंट्स में क्लियर हो गया। 6 को करते हैं, 6 मेरे पास पार्ट है ये
नेगेटिव 23.456 और ये है जी 1 decimal place। क्या करेंगे, 1 decimal place है तो मतलब पॉइंट के बाद करेंगे, पॉइंट से पहले वैसे आ जाएगा, पॉइंट के बाद इसको चेंज करना है, इसमें चेंजिंग लानी है इसको देखते हुए। तो ये 5 5 1 ऐड होगा तो ये 5 बन जाएगा, और 0 0 ऐड यहाँ पे राइट नहीं करना बिकॉज ये डेसिमल नंबर। 7 part में इसका ये राइट कर लेते हैं, -17.78 98, और यहाँ पर है जी 4 significant figure में राइट करना है इसको, राउंड करना है। तो 4 significant figure है, अब आप बताएं क्या होगा, पॉइंट के बाद कि पॉइंट से पहले काउंट, पॉइंट से पहले भी यस काउंट होगा, 1 2 3 4। इसमें चेंज करना है इसको देखते हुए, ये 5 से बड़ा इसमें 1 ऐड हो जाएगा तो ये 9 बन जाएगा, 17.79। और फिर डेसिमल नंबर है तो 0 0 राइट नहीं करना। ये आप कंप्लीट नोट कर सकते हैं, मैं आपको फुल दिखा रही हूँ जो कि हमने अभी सॉल्व किया, ठीक है। इससे प्रीवियस तो मैं आपको दिखा ही चुकी हूँ एक दफ़ा, तो एक भी नहीं, होल नंबर्स में हम क्या करते हैं थोड़ा सा यहाँ से मैं आपको बता देती हूँ। होल नंबर्स में ये होता है हमारे पास कि 1 significant figure तक अगर इसको राउंड कह रहे हैं ना हम, तो इसमें ये होता है कि स्टार्ट नंबर राइट कर लिया फर्स्ट, और बाकी इसमें चेंज करना है इसको देखते हुए, तो खुद 5 से 2 इसमें 1 ऐड नहीं होगा, ये आ जाएगा, बाकी जितने भी डिजिट्स हैं सारे 0 बन जाएंगे, ठीक है। और 3 significant figure इसी को हमने राउंड करना हो तो क्या करेंगे, 1 2 3 इसमें चेंज करना है इसको देखते हुए, तो ये 5 से बड़ा इसमें 1 ऐड होगी, ये 9 बन जाएगा, तो 5 4 9 आ जाएगा, जितने डिजिट्स उसके बाद है 0 आ जाएंगे। 5 significant figure है तो 1 2 3 4 5 इसमें चेंज करना है इसको देखते हुए, तो ये 5 है इसमें 1 ऐड होगा तो ये 4 बन जाएगा, 5 4 8 7 ये 4 बन गया, और इसके बाद 1 digit है तो 1 0 आ जाएगा। तो इस तरह से करना, डेसिमल में भी आप देख चुके हो, ठीक है, सेम इधर भी वही काम करना है, बस उधर ये था माइनस आ रहा था, ठीक है। बाकी देखो 1 decimal place है तो वही पॉइंट के बाद 1, तो इसमें जो है हमने चेंज करना है इसको देखते हुए, तो 5 से 2 इसमें 1 ऐड नहीं होगा, ये एज़ इट आ जाएगा, ठीक है। और हमने 0 0 भी राइट नहीं करना, ये भी नोट कर सकते हो अगर आपने देखना हो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आप भी ट्राई करो, आपके पास यही चीज़ें आती हैं तो क्लियर है, ठीक है। आपके पास भी सब कुछ 5 significant figure में 5 भी है, इसमें जो है हमने क्या करना, इसमें चेंज करना है इसको देखते हुए, तो यस ये 5 है तो उसमें 1 ऐड होगा तो 9 हो जाएगा, बाकी 0 0 ये वैसे ही आ गया। फिर भी कुछ नहीं समझ आता तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, कोई नंबर नहीं समझ आ रहा तो वो मुझे कमेंट कर दो, मैं उसका बता दूंगी राउंड करके क्या आएगा। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।